बिना काजू, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर के आज हम घर के सिर्फ तीन चीज़ों से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हलवाई जैसी स्वादिष्ट मिठाई, जिससे आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले हो या आपके मेहमान सभी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जब मैं इसे कट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी और परफेक्ट बनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक पैन। पैन को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन हमारा हल्का गर्म हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कप बेसन डालेंगे। बेसन डालकर हम इसे स्पैचुला से अच्छे से मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे, जिससे होगा क्या कि बेसन हमारे बहुत ही अच्छे से भून जाएंगे और ये पैन में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। बेसन को इस तरीके से भूनते रहेंगे तो आपके बेसन बिल्कुल भी तले में लगेंगे नहीं और बिल्कुल नहीं जलेंगे। इस रेसिपी को एकदम हलवाई जैसे मुँह में घुल जाने वाले बनाने के लिए हमने जितना बेसन लिया था उसका हाफ यानी आधा कप हम इसमें घी लेंगे। घी को मेजर करके हम साइड में रखेंगे और सभी इंग्रेडिएंट को आप मेजरमेंट करके ही ले अच्छे से चलाते हुए कंटिन्यू भून लेंगे, जिससे बेसन से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। और अब आप देख सकते हैं इसे भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जितना हमने बेसन लिया था उसका आधा हम इसमें घी डालेंगे और घी डाल करके हम बेसन में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे भी गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम बेसन को इस तरीके से अच्छे से घी के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। और आपको जो छोटे छोटे लम्स दिख रहे हैं उसे भी हम इस तरीके से स्पैचुला से दबाते हुए तोड़ लेंगे। और इस तरीके से आप इस मिठाई को बनाएंगे तो ये बनाने में तो बहुत ईजी है ही, खाने में ये उससे भी कई ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब आप देख सकते हैं बेसन को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बेसन का कलर भी काफ़ी अच्छा सा चेंज हो गया है और ये डार्क भी हो गया है। और इस टाइम पे क्या करेंगे, हम गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे क्योंकि बेसन हमारी बहुत ही अच्छे से भुन गई है और इसमें बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ गई है। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और पैन के हीट में हम स्पैचुला से इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे बेसन हमारा हल्का सा ठंडा हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में आधा कप पानी डालेंगे, गैस ऑन करेंगे और पानी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो गई है तो हमने जितना बेसन लिया था उसका आधा हम चीनी लेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 2 से 3 इलायची के दाने डालेंगे और चम्मच से हम चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे, जिससे हमारी चीनी काफ़ी अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं चीनी हमारी आधी मेल्ट हो गई है। इस तरीके से हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे चीनी तले में बैठेगी नहीं और ये कंटिन्यू पानी के साथ इस तरीके से मिल करके मेल्ट हो जाएगी। और हमें इसका एक तार की चाशनी बनाना है। और अब आप देख सकते हैं चीनी और पानी काफ़ी अच्छे से मेल्ट भी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो हम इस तरीके से हाथों पे थोड़ा सा चाशनी लेकर के चेक करेंगे और आप देख सकते हैं अभी ये खाली चिपचिपी हुई है। तो हम इसे और 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। और अब आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद हमारी चाशनी एक तार की बनना स्टार्ट हो गई है। तो हम इस टाइम पे क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम चाशनी को साइड में रखेंगे और जिस पैन में हमने बेसन लिया था उस पैन को लेंगे और अब हम इसमें चाशनी डालेंगे। चाशनी डाल करके हम पैन में इसे अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ है क्योंकि हमने चाशनी एक तार के पहले ही बना ली है। तो अब हम इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए बेसन को मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी चाशनी परफेक्ट नहीं बनी है तो आप इस तरीके से बेसन में डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पका लें, जिससे आपकी चाशनी बहुत ही अच्छी और गाढ़ी हो जाएगी। फिर आपकी जो मिठाई है एकदम मार्केट स्टाइल बनेगी। और अब आप देख सकते हैं चाशनी में यहाँ मैंने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा शाइन भी आएगा और घी का फ्लेवर तो मिठाई में बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसे कंटिन्यू इस तरीके से चला लेंगे और आपको जो थोड़े से लम्स दिख रहे हैं आप उसे भी इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहें, जिससे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और अब यहाँ मैंने एक प्लेट को अच्छे से घी से पहले ही ग्रीस कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, चाशनी और बेसन का मिक्सचर को इस तरीके से स्पैचुला से हम प्लेट पे
ट्रांसफर कर लेंगे या डाल देंगे। ये मिठाई बहुत ही इंस्टेंट बनके तैयार हो जाती है, सिर्फ 10 मिनट में आप इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट मिठाई घर पे बना सकते हैं। तो बाजार की मिलावटी मिठाई आप बिल्कुल ना खरीदें, उसकी वजह आप घर पे बनाएं। ये बहुत ही खाने में भी टेस्टी होती है और घर पे बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। और अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला से इस तरीके से चारों तरफ से हल्के से दबाते हुए अंदर की तरफ स्क्वायर शेप देंगे। अभी ये काफी गर्म है तो आप इसे हाथ से बिल्कुल टच ना करें, इस तरीके से स्पैचुला या चम्मच से ही इसे शेप दे। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी इसे बनाना चाहते हैं तो आप इसे 5 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दें, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाएंगे और एकदम सेट हो जाएंगे। या फिर आप इसे 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे सेट होने दें। और आप देख सकते हैं इसे मैंने फ्रीजर में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था और ये अच्छे से सेट भी हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाएंगे, अगर आपके पास हो तो आप इसे में लगाएं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे नाइफ या चाकू से इस तरीके से लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। और इस तरीके से आप मिठाई घर पे बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं आप सभी के लिए और भी नई ईजी और इंस्टेंट वाली रेसिपी लाती रहूँगी। और अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से कतली का शेप देंगे। और इस तरीके से हमारा बहुत ही कम टाइम में घर के सिर्फ 3 चीज़ों से कम खर्चे में बहुत ही टेस्टी बेसन की कतली बन के तैयार हो गई है। और आपने काजू कतली, आलमंड कतली तो खाया होगा, लेकिन आप इस तरीके से बेसन कतली बनाएं, मेरी गारंटी है कि सभी को बहुत पसंद आएगी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कतली को अच्छा सा कट करके शेप दे दिया है। तो हम नाइफ से हल्के हाथों से इस तरीके से उठाएंगे और ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक एक पीस को नाइफ या चाकू से साइड करके हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इसे ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई इजी और इंस्टेंट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर